कानपुर का बिकरू गांव विकास दुबे के खौफ से आजाद हो गया है, लेकिन अभी भी विकास दुबे की जिंदगी से जुड़े ऐसे ढेरों सवाल हैं जिनके अब तक जवाब नहीं मिल पाए हैं। ऐसा ही एक सवाल यह है कि विकास दुबे का खजांची जय वाजपेयी देखते ही देखते करोड़पति कैसे बन गया। कहा जाता है कि जय वाजपेयी 2013 में एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। इन सवालों से धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है। बताया जाता है कि जय वाजपेयी समेत विकास दुबे के चार मैनेजर उसकी काली कमाई को व्हाइट मनी में तब्दील करते थे। मामले की जांच कर रही एजेंसियों के सूत्रों ने बताया है कि बिकरू में हुई भयानक घटना से पहले इन मैनेजरों के पास तकरीबन 18 करोड़ रुपए थे जो कि अब इनकी जेब में चले गए हैं। इन 18 करोड़ रुपयों में से आधी रकम को ब्याज में बांटा गया था। इसका ब्याज लगभग 55 लाख रुपए आता है। इसकी आधी रकम विकास दुबे को भेजी जाती थी और बाकी की रकम से चारों मैनेजर अय्याशी करते थे। 18 करोड़ रुपयों में से बाकी की रकम फैक्ट्रियों और बिजनेसमैन को दी गई थी। यहां से हर महीने जो रकम आती थी उसे विकास दुबे के पास पहुंचाया जाता था और ये काम विकास दुबे के खजांची करते थे। नोटबंदी के वक्त विकास दुबे ने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए कई लोगों का सहारा लिया। उसने साल 2016 में 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच अपने बैंक अकाउंट्स में 3.5 लाख रुपए जमा करवाए। यही नहीं, उधर जय वाजपेयी की पत्नी के बैंक अकाउंट से भी लाखों रुपए ट्रांसफर किए गए। जय वाजपेयी ने नोटबंदी के दौरान 14 लाख रुपए व्हाइट करवाए थे। विकास दुबे ने नोटबंदी के दौरान किस अकाउंट में कितनी रकम डाली थी इस बात की जांच चल रही है। कुख्यात विकास ने शिवली स्थित पंजाब नेशनल बैंक में 2 लाख रुपए एक बार डिपॉजिट किए, फिर 1.5 लाख रुपए दूसरी बार जमा किए गए। कुल मिलाकर 3.5 लाख रुपए अकाउंट में जमा हुए। इतना ही नहीं, विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब पुलिस उसकी मदद करने वाले हर शख्स की तलाश में जुट गई है। अधिकारी जहां एनकाउंटर के बाद तैयार करवाए जा रहे डॉक्यूमेंट्स की निगरानी में जुटे हैं, वहीं सर्विलांस पर रखे गए तकरीबन 2500 मोबाइल नंबरों पर भी उनकी नजर है। इन सब के अलग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये जानना चाहते हैं कि आखिर गैंगस्टर विकास दुबे ने पुलिस पूछताछ में क्या क्या जानकारी दी है, कौन कौन उसके संपर्क में था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।